भी सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह शुक्र है कि हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और जी देखते ही देखते 12th रोज़ा आ गया, रमज़ान मतलब बिल्कुल जा रहा है फटाफट से। तो बस आज मैं बनाने वाली हूँ जी स्पेशल इफ्तारी हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए भी। तो मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ वो तो आप आगे वीडियो में देख लेंगे, बट उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा उससे पहले मैं क्या काम करने वाली हूँ, अच्छा नमाज वगैरह सब मैं फारिग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह और बच्चों को मैंने खाना भी खिला दिया है। आपको मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बच्चों को खाना खिला के भी फ्री हो गई हूँ मैं और सुहान की तबीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी आज मतलब काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। तो उससे पहले मैं क्या काम करने वाली हूँ इफ्तारी बनाने से पहले जी, ये जितने कपड़े थे ना ये मैंने कल वॉश करे थे और आज ये अच्छे से ड्राई हो गए, तो ये मैं इनको फोल्ड करके अलमीरा में सेट करना है वापस से। और बाकी ये है कि ये मशीन मैंने लगाई थी जी रात को कोई 1 बजे के करीब और मैं फ्री हुई थी 3:30 बजे। तो बस जी चलें अब अपनी इफ्तारी तैयार करने स्टार्ट करते हैं और जो भी मैं बना रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, होप सो कि आपको पसंद आ जाए और आप लोग भी वो घर में ट्राई कर सकते हैं जी। बस कपड़े फोल्ड हो गए हैं, अब इन कपड़ों को मैं सेट कर देती हूँ जी अलमीरा में और फिर उसके बाद हम चलेंगे जी किचन में। और वो गर्म कपड़े निकाल दिए हस्बैंड के, वो जाएंगे अंदर और समर्स के कपड़े जाएंगे अलमीरा में। तो ये रखते थोड़ी देर में मिलते हैं। A few moments later. और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जी चटपटे कॉर्न की रेसिपी। तो ये रमज़ान में ना इफ्तार के टाइम बहुत ही मज़े की लगती है और ये युसरा ने बनाए थे तो मुझे तो बहुत पसंद आए थे, तो मैंने सोचा इसको मैं भी बनाती हूँ और मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल से बनाने वाली हूँ, युसरा ने अपने स्टाइल से बनाया था। तो आई होप सो कि आपको पसंद आ जाइए और आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। तो सबसे पहले ना हम इसमें कॉर्न फ्लोर हो आपके पास या फिर कॉर्न स्टार्च हो, क्या होता है वो, हाँ जी कॉर्न स्टार्च हो या कॉर्न फ्लोर हो या चावल का आटा हो, ठीक है किसी से भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने डाला है मैदा और 3 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला है और मेरे पास ये 1 बोल के करीब ना, 1 बोल से थोड़ा सा कम मेरे पास ये कॉर्न्स है, ठीक है। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करने वाली हूँ, तो स्पाइसेस मैं क्या क्या ऐड करूँगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जी सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट डालने वाली हूँ, सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें डालूंगी मैं जी भुना कुटा जीरा और काली मिर्ची और उसके साथ जी मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा आमचूर पाउडर डालेंगे, ठीक है जी। तो बस ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फ्रूट चाट मसाला, तो जो मैं ये डाल रही हूँ करना क्योंकि ये मैंने डीप रोस्ट करे तो ऑलरेडी इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा पानी होगा, तो मैं देखूंगी अगर मुझे रिक्वायरमेंट लगी पानी की तो मैं पानी ऐड करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी, ठीक है। तो बस ये देखें थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत लग रही है क्योंकि नीचे ना ये मसाला ड्राई हो रहा है काफ़ी, तो हल्का सा बस पानी का आपने छींटा देना है, ठीक है और कुछ भी नहीं। और इसको मैं कर दूंगी अच्छे से मिक्स, तो बस इतना ही करना है आपने। ओवर आपने इसमें पानी अगर डाला ना तो ये मसाला नहीं चिपकेगा और कॉर्न्स जो है ना आपके वो क्रंची नहीं होंगे। ये देखिए कि कॉर्न पे अच्छे से मसाला चिपट गया। ये देखिए हीट हो गया है ऑयल और हमें इस ऑयल को अच्छे से हीट करके ना फिर हमें फ्लेम को कर देना है जी बिल्कुल मीडियम पे, ठीक है मीडियम टू लो। और फिर उसके बाद ये कॉर्न्स मैं इसमें डालना स्टार्ट करूंगी। और थोड़ा ध्यान से एहतियात से डालिएगा क्योंकि छीटे भी आएंगे। और ये डालने के बाद ना आपने थोड़ी देर तक इसको नहीं हिलाना है, फिर थोड़ी देर के बाद हम इसे मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए जी ये अच्छे से एक साइड से
फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं और मसाला अच्छे से चिपका हुआ है कॉर्न्स पर। तो बस अब हम इसे 5 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड थे। अगर आप कॉर्न्स बॉइल ना हो, आपके पास कच्चे वाले हो, तो आप पहले उसे बॉइल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखें जी, कॉर्न्स हो गए हैं अच्छे से फ्राई, एकदम से क्रिस्पी। ये देखें, इस तरह से गोल्डन ब्राउन आपने फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो अब मैं ये निकाल लेती हूँ। तो जी मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। यम्मी यम्मी कॉर्न्स खा लिया। आप भी कॉर्न्स खानिया? हाँ। ठीक है, अभी मम्मा बना देंगी ना, फिर कॉर्न्स खानिया, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गए हैं फ्राई। और अब मैं इसे बोल में ट्रांसफर करके इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए जी, पकोड़े और जो ये पापड़ होते हैं ना, वो तो मैंने फ्राई कर लिए हैं, ठीक है। और अब हम बना लेते हैं जी कॉर्न की चाट, मज़े मज़े की, क्रिस्पी सी। तो जितना भी एक्सेस ऑयल था ना, वो मैंने सारा इस छन्नी में डाल के ना स्ट्रेन कर लिया है, ठीक है। और अब ये बिल्कुल हमारे पास फ्रेश फ्रेश से कॉर्न है। तो अब इसमें क्या क्या जाने वाला है, सबसे पहले तो जी इसमें जाने वाली ये प्याज, ठीक है। नहीं नहीं, आपसे नहीं डलवा रही मैं। और हरी मिर्ची और जी टमाटर, ठीक है, ये जाएंगे। और इसके साथ जाएगा जी इसमें फ्रूट चाट मसाला, ठीक है। अगर आप आमचूर पाउडर नहीं डालें तो आप फिर यहाँ पर लेमन डाल सकते हैं एंड में, जब आप इसे सर्व करेंगे ना, तो आप उस टाइम पे इसमें लेमन डाल दें। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही मज़े की चाट बनती है, और मैंने तो खैर अम्मी के घर पे ही खाई थी जब यूश्रा ने बनाई थी, तो मुझे तो बेहद पसंद आई थी। मैंने सोचा यार मैं भी अपने घर में ज़रूर इसको बनाऊंगी। गाइस मुझे भी खिलाना है कॉर्न चाट। लो खाओ। कैसी हो रही है, मजे की? पानी आ रहा है मैम। तो ये देखिए जी, कॉर्न चाट हो गई है बनके रेडी, ठीक है। और अब हम बनाते हैं जी अपनी दूसरी रेसिपी। तो जी अब दूसरी रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ जी, चीज़ी पास्ता, जो कि बच्चों को और बड़ों को सबको पसंद आता है, ठीक है। और ये हम बताएंगे जी इंडियन स्टाइल में। थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट, आप चाहें तो आप चॉप भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी ये कटी हुई वेजिटेबल, इनको हल्का सा सौते कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें जाएगा जी भुना कुटा जीरा और ब्लैक पेपर और आमचूर पाउडर, ठीक है। और सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी जाएगी जी लाल मिर्ची पाउडर, दैट्स इट। अगर आप चाहें तो आप इसमें हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे स्पाइसेस को, ठीक है। और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी बॉइल्ड मैकरोनी, ठीक है। ये मैंने पहले से बॉईल कर ली थी, तो बॉईल मैक्रोनी डाल देंगे हम इसमें और सबको अच्छे से आपस में कंबाइन कर लेंगे। कभी कॉर्न चाट फेवरेट होती है बच्चों और बड़ों की, कभी चीज में कॉर्न बच्चों और बड़ों की फेवरेट होती है। अच्छा लगा तो मेरा बड़ा। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी तंदूरी मसाला मेयो, ठीक है। तो ये हम कोई एक एक टेबल स्पून के आसपास डाल देंगे।
और फिर इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी वेज मेयो, ठीक है। तो दोनों ही हमने एक एक टेबल स्पून डाल दी। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून में डाल दूंगी इसमें क्रीम चीज, ठीक है। और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस अगर आपको मेरी मम्मा की वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दिए ना, शेयर भी कर दिया आप प्लीज आप कर दिए ना, आपके मैं आपकी बहुत सुंदर सी परी बोल रही हूँ। हाँ मैक्रोनी में थोड़ी सी ये चीज डाल देंगे, ठीक है। और इसे कवर कर दूंगी मैं जब तक हमारी चीज अच्छे से मेल्ट हो जाती है। 5 minutes later बिस्मिल्लाह जी, ये देखें माशाल्लाह ये हो गई है जी बन के रेडी। और अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ। तो ये सब हम इसमें निकाल लेते हैं और इतनी बढ़िया बढ़िया खुशबूएं आ रही हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो एक बार ना इस तरह से बना के देखिएगा मेयो वगैरह डाल के, और आपको यकीनन बहुत पसंद आ जाने वाली है ये। फिर आप सिर्फ यही वाले मैक्रोनी खाएंगे। तो मैं ये पूरा ट्रांसफ़र कर देती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी बन गई है, पकौड़े भी बन गए, कॉर्न चाट भी बन गए, और बस शरबत ट्रांसफ़र करना है। तो जी शरबत डाल लेते हैं। आ रही हूँ क्या ना, आ रही हैं। तो जी ये आ गई है नेबर्स क्या से इफ्तारी, इसको भी हम अपनी इफ्तारी में शामिल कर लेंगे। और ये हो गया है जी डन। तो जी चलिए एक एक चीज़ फटाफट से दस्तरखान पे लगाते जाते हैं, और इफ्तार का जी टाइम हो रहा है बिल्कुल। दादी मैक्रोनी इतना फास्ट फास्ट मैं चल रही हूँ ना के चक्कर ना आ जाए। ये पापड़ जिसमें एक स्पून डाल लेते हैं जी, चाट ले लेते हैं जी, प्लेट्स सादी की प्लेट बेटे खोल लो। ग्लास और जी रू अफजे का शरबत, और रह गई हैं जी खजूरें। ये रख लेते हैं जी खजूरें, रख लेते हैं स्पून सबके। सबकी है बेटा। तो चलिए जी आप भी आ जाइए हमारे साथ इफ्तारी कर लें, और माशाल्लाह देखें कितना प्यारा दस्तरखान लग रहा है। दुआ मांगो दुआ जल्दी से, इस टाइम की दुआ ना कबूल होती है, जल्दी से दुआ मांगो सब। मम्मा मुझे पता है इस टाइम की दुआ कबूल होती है। 1 hour later बस जी हमने इफ्तारी कर ली थी, माशाल्लाह सब चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी। और रोज़े में जब आप कुछ चीज़ बनाते हो ना तो नमक का अगर अंदाज़ा है तो बहुत अच्छे से बन जाती है, अगर नमक का अंदाज़ा ना हो तो वो कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। बट माशाल्लाह मतलब ये तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपीज़। और इफ्तार के टाइम तो बहुत मज़े की लगती हैं ऐसी रेसिपीज़। तो यहाँ पर जी हस्बैंड ना वो पैकेट वाला वो डिब्बे वाला दही लेकर आए थे, वो काफ़ी अच्छा क्रीमी टेक्सचर था उसका, तो सुहान और मैं वही खा रहे थे। तो बस जी मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।